जीप कंपस एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो बेस्ट इन क्लास फोर व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास ऑन रोड ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स के लिए वेल नोन है और इसमें 50 प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स और 30 प्लस प्रीमियम फीचर्स ऑफर होते हैं। जीप कंपस इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया जीप जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होके राइट हैंड ड्राइव ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ लाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टर्बोचार्जवील्स। गाइस, अगर आप जीप कंपस खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देख के आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या आपको जीप कंपस टाटा हैरियर, ह्यूंडई टुसों और एमजी हेक्टर की जगह खरीदनी चाहिए या नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको जीप कंपस की 5 ऐसी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो इस पे सेगमेंट की बाकी सभी एसयूवी से ज्यादा बेटर है। गाइस, शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रिव्यू वीडियोस मिलती रहे। Compass is offered in 2-liter multi-jet 2 diesel engine offering a punchy 173 PS power and a gigantic 350 Nm torque. और ये ही डीजल इंजन टाटा हैरियर और एम जी हेक्टर में भी ऑफर होता है और इसमें 1.4 लीटर टर्बोचार्ज मल्टी एयर पेट्रोल इंजन भी ऑफर होता है जो 163 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम जीप कंपस के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक टोटली ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी है और इस प्राइस और सेगमेंट में शायद ही कोई ऐसी एसयूवी है जो इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मुकाबला कर सके। कंपस में लीनियर टॉर्क डिलीवरी है और इसके टर्बो का एक जोरदार पंच 2200 आरपीएम के बाद आता है और तो और इसकी पावर मैक्सिमम आरपीएम लिमिट पे भी फील होती है और ऐसा नहीं लगता कि इंजन हल्का सा भी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है। बढ़िया टॉर्क होने की वजह से जीप कंपस 20 की स्पीड से थर्ड गियर, 40 की स्पीड से फोर्थ गियर और 50 की स्पीड से फिफ्थ गियर में आराम से पिक हो जाती है और तो और ये सेकेंड गियर में 10 की स्पीड से भी आराम से पिक हो जाती है। तो गाइस, इसका फायदा ये है कि आपको सिटी में बार बार गियर नहीं बदलनी पड़ेगी और हाईवे पे भी आपको क्विक ओवरटेकिंग के लिए लोअर गियर पे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। और गाइस, इतना ही नहीं, जीप कंपस 160 से 70 की स्पीड पे भी बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है और रोड को पकड़े रहती है और चाहे लो स्पीड हो या हाई स्पीड, इसका स्टेयरिंग फीडबैक बहुत ज्यादा बढ़िया है और प्रिसाइज है। और अगर आपको हाईवे पे एकदम से गाड़ी को कहीं काटना पड़े तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि इसका स्टीयरिंग फीडबैक आपको काफी बढ़िया लगेगा। कंपस में डीएसटी स्टीयरिंग आता है, यानी डायनेमिक टॉर्क असिस्ट इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, जो कंपस के स्टीयरिंग फीडबैक को एकदम प्रिसाइज करता है और स्टीयरिंग को ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर होने से प्रिवेंट करता है। और बढ़िया बात ये है कि 150 से 160 की स्पीड के बाद भी जीप कंपस फील्स वेरी पावरफुल और ऐसा नहीं लगता कि कार स्ट्रेस आउट फील कर रही है और ये फोर्थ गियर में आराम से 180 की स्पीड पकड़ लेती है। गाइस, आप को ड्राइवर सीट के व्यू से ओवरटेकिंग के टाइम जीप कंपस की पिकअप का अंदाजा लगा सकते हैं। डीजल इंजन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर होता है जिसके गियर शिफ्ट्स काफी ज्यादा स्मूथ और क्विक हैं और पेट्रोल इंजन दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड ड्यूअल ड्राई क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है जो स्प्लिट सेकंड्स में ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट्स करता है जो सभी स्पीड्स में स्मूदर ड्राइव ऑफर करता है व्हाइल रिटर्निंग अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी। जीप कंपस इज द इंडियास फर्स्ट एंड ओनली एसयूवी इन इट्स सेगमेंट जिसमें एफएसडी सस्पेंशन आती है, यानी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन, और ये फीचर मोस्टली हाई एंड परफॉर्मेंस कार्स में ही मिलता है। और एफएसडी रोड सर्फेसेस और ड्राइवर इनपुट्स के अकॉर्डिंग डैम्पिंग को मैकेनिकली एडजस्ट करती है और ये वर्क करती है एज अ हाइड्रोलिक एम्पलीफायर सस्पेंशन पे बिल्ड अप प्रेशर को डिले करने के लिए ताकि कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग के टाइम और बैड रोड्स पे आप कंफर्टेबल रहे। गाइस, मेरा मानना ये है कि किसी भी गाड़ी की सस्पेंशन, ट्रैक्शन, हैंडलिंग, कंट्रोलिंग और स्टेबिलिटी का पता लगाना हो तो उसे ऑफ रोड पे जाके टेस्ट करो, क्योंकि अगर ऑफ रोड पे गाड़ी पास हो गई तो जाहिर सी बात है पक्की सड़कों पे वो बेटर रिजल्ट्स देगी। थैंक्स टू द एफएसडी सस्पेंशन, जीप कंपस की ड्राइव बैड रोड्स पे काफी ज्यादा स्मूथ है
और कंपास इज रियली अनस्टॉपेबल ऑन बम्प्स एंड अनइवन रोड्स। और जीप कंपास का बॉडी रोल काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है एंड यू विल फील लेस जर्क्स इवन ऑन वर्स्ट रोड्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है और 17 डिग्रीज का अप्रोच एंगल और 32 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल होने की वजह से इंडिया की वेरिड रोड कंडीशंस को टैकल करना आपके लिए आसान होगा और आपको टेंशन नहीं होगी कि बड़े गड्ढों में आपकी कंपास कहीं भी नीचे से रोड पे ना लग जाए। जीप कंपास इज ऑल्सो द ओनली एसयूवी इन इट्स सेगमेंट जिसमें फोर व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट ऑन द फ्लाई फोर व्हील ड्राइव सिस्टम आता है विद फोर मोड्स, ऑटो, स्नो, सैंड और मड। ऑटो मोड रोड कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली फोर व्हील और टू व्हील ड्राइव ट्रेन में शिफ्ट करता रहता है। ये ऑटो मोड रिक्वायरमेंट पढ़ने पे विद इन 300 मिलीसेकंड्स में फोर व्हील ड्राइव पे शिफ्ट कर देता है और बाकी तीनों मोड्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्नो, सैंड या तो मड मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंपास को मड मोड पे शिफ्ट किया हुआ है और आप फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव पे भी मोड को लॉक कर सकते हैं। और जीप का ये एक्टिव फोर व्हील ड्राइव सिस्टम जरूरत पड़ने पर 100% अवेलेबल टॉर्क किसी भी एक व्हील को पूरी दे सकता है। FSD सस्पेंशन के साथ ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम कंपास की स्टेबिलिटी और रोड ट्रिप को और बेटर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन कंपास को पलटने से बचाता है ताकि आप अपने एडवेंचर्स को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें और आप सेफ रहें। और जैसा कि कैप्टन अमेरिका अपनी हर मूवी में कहता है, Stay down. Final warning. I can do this all day. और ठीक इसी तरह से इवन द जीप कंपास कैन टेक दिस ऑल डे। गाइस, जीप कंपास की बढ़िया परफॉर्मेंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज होने के साथ इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी है और इसमें ओवर 50 प्लस सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर होते हैं। कंपास के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से FCA इंडिया ने कंपास को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से पहली प्लाज्मा कटिंग है जिसमें कंपास के डोर्स और रूफ लेजर वेल्डेड हैं अंदर और बाहर से बाय द यूज ऑफ रिमोट लेजर्स एट द रेट ऑफ 2 स्टिचेस पर सेकेंड, विच इंश्योर्स प्रिसाइज हुड एंड फ्रंट बम्पर प्लेसमेंट। और ये प्रोसेस जीप कंपास के एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करता है, वेट को रिड्यूस करता है एंड एट द सेम टाइम ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है। विजन सेल सिस्टम भी एक इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी 34 कैमराज मॉनिटर करते हैं क्वालिटी ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, ताकि हल्का सा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम एरर ना हो जाए। और इसकी थर्ड इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोसेस है हॉट स्टैम्पिंग, जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील को कॉम्प्लेक्स शेप्स में फॉर्म करते हैं और ये प्रोसेस ट्रेडिशनल कोल्ड स्टैम्पिंग से ज्यादा एफिशिएंट है जो बाकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और ये प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंटली एक बैलेंस क्रिएट करता है लाइट वेट और स्ट्रेंथ के बीच। कंपास में 27 हॉट स्टैम्प्ड पार्ट्स हैं जो इस कार इंडस्ट्री में हाईएस्ट हैं। कंपास में 50 प्लस सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं एज स्टैंडर्ड, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जो ऑटोमेटिकली एंगेज और डिसएंगेज होती है। भले ही जीप कंपास का एक ओल्ड स्कूल रेट्रो डिजाइन है, लेकिन ये हर एंगल से काफी ज्यादा क्लासिक, स्टाइलिश, स्पोर्टी और एलिगेंट लगती है और इसकी एक डोमिनेटिंग और इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस है विच विल मेक हेड टर्न्स व्हेरेवर यू विल गो। और एक्सटीरियर की तरह इसके इंटीरियर्स भी इक्वली अपीलिंग हैं, जो आपको एक फर्स्ट क्लास प्रीमियम फील और एक्सपीरियंस ऑफर करेंगे, क्योंकि इंटीरियर लुक से ज्यादा इसकी इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश, लेआउट और नॉब्स और स्विचेस की क्वालिटी और सीट्स और डोर का फैब्रिक क्वालिटी और स्टिचिंग इस सेगमेंट में सबसे बेटर है, फिर चाहे वो हैरियर हो या भले ही MG हेक्टर। तो गाइस, अब आता है सबसे जरूरी सवाल का जवाब कि क्या आपको जीप कंपास खरीदनी चाहिए या नहीं। हाँ गाइस, आप बिल्कुल जीप कंपास खरीद सकते हैं अगर आप एक ऐसी ट्रू रगेड SUV चाहते हैं जिसकी डोमिनेटिंग लुक्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी और फील होने के साथ साथ वो एक फन टू ड्राइव SUV हो जिसकी बढ़िया माइलेज हो और वो हाईली रिलायबल भी हो। और भले ही टाटा हैरियर प्राइस और उसकी ऑफरिंग वाइज एक वैल्यू फॉर मनी SUV है,
और MG Hector एक फीचर रिच SUV है, लेकिन जीप कंपस को ड्राइव और ओन करने का फील ही कुछ अलग है। गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जीप एक प्रीमियम ब्रांड है वर्ल्ड वाइड जो अपनी SUVs की हार्डकोर ऑफरोड कैपेबिलिटीज, स्टर्डीनेस और ड्राइविंग प्लेजर की लेगेसी के लिए वेल नोन है। और जीप ब्रांड की हाई वैल्यू होने की वजह से जीप कंपस का टाटा हैरियर से ज्यादा प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाइड है। The drive of Compass was provided by Rahul Jeep Showroom, NH1 Karnal, Haryana, and I'm really grateful for the support and assistance offered by them and for letting me drive the Compass multiple times with full satisfaction and letting me do whatsoever I wanted to do with the Compass in order to test it. And also their staff is courteous and knowledgeable and you'll feel warm welcome in their showroom. Keep up the good work, guys.